नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है हर साल 21 जून को मनाया जाता है और ये 2015 से इस दिवस को लगातार सारे विश्व में मनाया जा रहा है। और इस साल जो योगा दिवस की जो थीम है वो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के लिए योग। तो योग ने सेवर हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखता है। और इसलिए योग के महत्व को बताने के लिए और आम जनता को योग के संबंध में जागरूक करने के लिए इसे हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते रहे हैं। यदि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर से देना चाहिए, जिससे कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काफ़ी हद तक हम स्वस्थ रहेंगे। वर्तमान में युवाओं से लेकर मिडिल एज तक के जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारा अनियमित खान पान और अनियमित हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही हैं। इसलिए सभी लोगों को योगा, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करना चाहिए। इसीलिए सभी लोगों को कम से कम 30 से 60 मिनट के लिए अपना शरीर के लिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज इत्यादि करनी चाहिए। बहुत से लोगों के पास समय का अभाव रहता है तो उन्हें कम से कम 30 मिनट सुबह सुबह योगा करना चाहिए और शाम के टाइम उन्हें 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इस तरह से विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और यह हर देश में हर जगह पर इसका एक कॉमन प्रोटोकॉल होती है जो कि सब जगह फॉलो की जाती हैं। इसमें सबसे पहली प्रोटोकॉल होती है प्रार्थना करना, और प्रार्थना का जो प्रचलन है वो कि हर धर्म में होता है लेकिन उसका करने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले इसमें प्रार्थना की जाती है, उसके बाद फिर इसमें चालन क्रिया होती है या फिर शिथिलीकरण जिसको कहते हैं या फिर जिसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। इसमें थोड़ा शरीर को थोड़ा हल्की फुल्की एकदम एक्सरसाइज टाइप की जाती है, जैसे कि ग्रीवा को चलाया जाता है, शोल्डर को चलाया जाता है और अपने जो कमर को, घुटनों को, मतलब एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज टाइप की जाती है, जिससे कि योगासन के दौरान जहाँ पर हमारा शरीर मुड़ेगा तो वहाँ पर थोड़ा अनुकूल हमारा शरीर बन जाए, थोड़ा शरीर में गर्म हो जाए। इसको वार्म अप एक्सरसाइज भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये की जाती है क्योंकि ज़्यादातर जो मैक्सिमम जॉइंट हैं जोड़ हैं, जो उनका मूवमेंट होता है, तो इसलिए इसको करा जाता है। तो इस तरह से जो नेक्स्ट होता है फिर होता है योगासन। तो योगासन में जो आसन होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे खड़े होकर आसन करना, जैसे कि ताड़ासन है, वृक्षासन है इत्यादि, और दूसरे होते हैं जो बैठकर आसन किए जाते हैं, जैसे मुद्रासन है, भज्रासन है और वीरासन है, और नेक्स्ट होता है पेट के बल, तो जिन्हें हम पेट के बल लेट के करते हैं, जैसे मकरासन है, भुजंगासन है, सलब आसन है, ये सब आसन जो किए जाते हैं लेट कर किए जाते हैं। उसमें नेक्स्ट आता है फिर पीठ के बल लेटकर, जिन्हें हम पीठ के बल लेटकन करते हैं, जैसे कि शवासन है, पवन मुक्तासन है इत्यादि। इन सब आसनों को, योगासन जो हैं, इनको हम इस तरह से चार डिफरेंट कैटेगरी के अंदर करे जाते हैं। और नेक्स्ट होता है प्राणायाम। इसमें मुख्य रूप से जो नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, ये वाली एक्सरसाइज होगी। और नेक्स्ट इसमें शीतली प्राणायाम होता है और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम होता है, और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट रहा ध्यान लगाना, एकदम ध्यान की मुद्रा में रहना, और फिर संकल्प। तो संकल्प में क्या होता है कि हम जितने भी लोग योगासन वहाँ पर कर रहे हैं उनको संकल्प कराते हैं कि हम जीवन में आगे भी इसी तरह से डेली अपना योगासन करते रहेंगे, तो उनको ये संकल्प भी कराया जाता है। और नेक्स्ट है फिर शांति पाठ। तो शांति पाठ इसमें कराने के लिए उद्देश्य है कि विश्व की शांति के लिए, देश की शांति के लिए, राज्य की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए भी शांति पाठ कराया जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है उसके एक प्रोटोकॉल होती है जो कि सब जगह इसको फॉलो करना होता है। चलिए मैं अब चलता हूँ एक पार्क में, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से योगासन, प्राणायाम इत्यादि करते हैं। तो योगा करने से पहले सबसे पहले प्रार्थना की जाती है जो कि हर धर्म में अलग अलग होती है, और उसके बाद में होती है चालन क्रिया, जिनको शिथिलीकरण भी हम कहते हैं। ये एक तरह से बॉडी को लचीला बनाने के लिए, शिथिल करने के लिए होती है, और इसको वार्म अप एक्सरसाइज भी आप कह सकते हैं। इसमें जैसे ग्रीवा का चालन करना, गर्दन को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, और साथ में ये रोटेशन करना अपने रिस्ट के लिए, जॉइंट के लिए, और ये स्कंध संचालन, अपना जो शोल्डर्स हैं उनका मूवमेंट कराना। तो बॉडी में मतलब ये वार्म अप एक्सरसाइज होती है जिससे हमारे पूरी तरह से बॉडी एक तरह से योगा करने के लिए रेडी हो जाती है। तो इस तरह से इसको जो कहते हैं हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज इसको कहते हैं, और साथ में ये
पूरा अपने जॉइंट जो हिप जॉइंट्स है उसको उनके मूवमेंट के लिए और अपनी कमर के जॉइंट के मूवमेंट के लिए। तो ये वार्म अप एक्सरसाइज होती है जो कि कोई भी प्राणायाम योगा अभ्यास हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारी बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए। ये साइकिलिंग करना, इसको कई तरह से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं और दोनों को एक साथ, दोनों को अलग अलग तरीके से। और ये अपनी जो ग्रीवा का चालन हम करना चाहिए, ग्रीवा चालन बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। क्योंकि जितने भी तरह के हमारे शरीर में जोड़ हैं या मोड़ हैं, उन जोड़ को मोड़ को जो कि योगासन के दौरान मुड़ते हैं, उन्हें इस तरह से पहले हम एक वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो शरीर पूरा वार्म अप हो सकता है और योगासन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जिससे कि क्या है कि ऐसा करने से हमारा जो शरीर है वो योगासन के दौरान पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाता है जिससे कि योगासन को आसानी से किया जा सकता है। इसलिए शुरुआत में 10-15 मिनट के लिए हमें इसी सब जो सूक्ष्म एक्सरसाइज होती हैं इनको हमें करना चाहिए, तो इस तरह से ये करना ज़रूरी होता है। अब शुरुआत करते हैं योगासन के, जो खड़े होकर आसन करते हैं। तो ये जो आसन है इसको हम ताड़ासन कहते हैं, जिसे पंजों के बल ऊपर को पूरे शरीर को ऊपर खींचना होता है, ये ताड़ासन होता है। और नेक्स्ट होता है फिर ये वृक्षासन। वृक्षासन में क्या है कि एक पैर से के द्वारा पूरी बॉडी का बैलेंस बनाकर पूरे शरीर को इसमें ऊपर की तरफ खींचना होता है। और नेक्स्ट इसमें ये त्रिकोणासन। त्रिकोणासन लेफ्ट साइड से करिएगा, फिर राइट साइड से करिएगा, मतलब दोनों तरफ से साइड से इसको करना, पूरा बॉडी 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ देखना है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है योगासन, जिसको खड़े होकर हम करते हैं। तो इन एक्सरसाइज को हम खड़े होकर करते हैं, तो ये योगासन का जो एक रूप है। और इसमें जो दूसरा रूप आता है वो आता है बैठकर, जिनको एक्सरसाइज को हम बैठ के करते हैं, जैसे कि हम वज्रासन की पोजीशन में कर रहे हैं। और ये वज्रासन इकलौता एक ऐसा आसन होता है जिसे कि हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आसन को हम इस तरह से बैठ कर पीछे पंजों के बल सहारे इनको बैठा जाता है। और दूसरा ये होता है मंडूक आसन, अपनी दोनों हथेलियों को नाभि पर दबा दिया जाता है और इस तरह से बैठा जाता है। ये स्वस्थ जो कि हम अपने कमर के बल लेट कर जैसे करते हैं, जैसे कि ये शवासन हो गया। निकालेंगे, फिर खींचेंगे, फिर निकालेंगे, इस प्रोसेस को इस तरह से दोनों नोस्ट्रिल से बार बार करके अल्टरनेट करते रहते हैं। तो ये एक प्राणायाम का एक प्रकार है जिसको कि नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम के हम लोग जानते हैं। तो ये सुबह सुबह करना चाहिए। और इसमें शीतली प्राणायाम होता है, शीतली मतलब पूरे शरीर को शीतलता प्रदान करती है, तो शीतलता प्रदान करने के लिए शीतली प्राणायाम करना चाहिए। और थोड़ा भ्रामरी, भ्रामरी को करने से हमारे पूरे दिमाग की एकदम जो नसें हैं, दिमाग की पूरी नसें खुल जाती हैं, तो इसे भी करना चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्राणायाम होता है, इसे योगासन के दौरान कराया जाता है। तो
तो इसकी भी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे मानसिक रोगों से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। कोई सर में दर्द की शिकायत होती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस वाले जो प्राणायाम है भ्रामरी, इसे ज़रूर से करना चाहिए। और फिर उसके बाद है ध्यान की मुद्रा में, हमको ध्यान मुद्रा करना चाहिए। ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने ध्यान को कंसंट्रेट करना चाहिए। तो इस तरह इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। और ध्यान मुद्रा के बाद आता है संकल्प और शांति पाठ, जिसमें कि हमें संकल्प करना होता है कि हम रोज़ाना की योग करेंगे, जैसे आज करें ऐसे ही संकल्प करते हैं, और साथ में विश्व राज्य देश समाज की शांतिपूर्ण पाठ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से योगा प्राणायाम करा जाता है, सारी जानकारी मैं दी है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं एंड स्क्रीन पर कुछ वीडियो के लिंक दे रहा हूँ, यदि वो आपको जरा भी फायदेमंद लगती है तो उस लिंक को खोल कर भी वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।